बैंक या फाइनेंस कंपनी से जब हम लोन लेते हैं तो इसे ईएमआई में चुकाने की सुविधा मिलती है। लोन की अवधि के दौरान अगर आपको कहीं से एक मुश्त रकम मिलती है तो आप इसे समय से पहले भी चुका सकते हैं। प्री पेमेंट पार्शियल यानी आंशिक या फिर फुल पेमेंट के तौर पर किया जा सकता है। जब आप पूरे लोन का समय से पहले प्री पेमेंट करते हैं तो इसे बैंकिंग की भाषा में लोन का फोरक्लोजर कहते हैं। किसी भी लोन को समय से पहले बंद कराने के लिए बैंक में जाकर आपको एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद बैंक लोन की बची हुई रकम पता करेगा, साथ ही अब तक के ब्याज की गणना भी करेगा। इस दरमियान फोरक्लोजर की तारीख का भी ध्यान रखा जाता है। एक तय अवधि के बाद फ्लोटिंग रेट वाले लोन को समय से पहले कराने पर कोई प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं लगती, वहीं फिक्स रेट वाले लोन पर कुछ चार्ज लग सकता है। फोरक्लोजर पेमेंट में इन चार्जेस को जोड़ा जाता है। लोन की बकाया राशि को चेक या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए आप पे कर सकते हैं। बकाया रकम मिलने के बाद बैंक को फोरक्लोजर की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इसके बाद आपके लोन की ईएमआई बंद कर दी जाती है। अगर लोन के एवज में किसी संपत्ति के कागज आपने गिरवी रखे हैं तो बकाया रकम मिलने पर बैंक उन्हें वापस कर देगा। फोरक्लोजर के बाद आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक से ज़रूर लेना चाहिए। इस सर्टिफिकेट में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि अब आप पर कोई बकाया नहीं है। फोरक्लोजर के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे वे अपने रिकॉर्ड में इसे अपडेट कर लें। हालांकि ये काम बैंकों के जरिए ही किया जाता है, लेकिन फोरक्लोजर के बाद इस बारे में सुनिश्चित कर लेना ज़रूरी है।